हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, अपन ने जो है बात करी थी अपने क्लास 10th के चैप्टर 3.1 की, जिसके दो प्रश्न जो है अपन ने अच्छे ही बड़े आराम वाले तरीके से समझ लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। मैंने 100% अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा, वो प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, अब जो है अपन बात करेंगे 3.1 के अगले प्रश्न तीन की, जिसका जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है माय डियर, कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, ये अपने को बताना है। ठीक है भाई, संगत असंगत बताना। इसका पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर में दे रखा है 7। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है इनको मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे समझने के 3x प्लस 2y और बराबर में 5 दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर, देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, और इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन इस रूप में चाहिए, A1x B1y प्लस C1 बराबर में 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यानी बराबर में क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, तब अपन मान निकाल सकेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर देखना 3x प्लस के 2y और प्लस के 5 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा भाई। अब 0 बच गया तो पहली समीकरण में x के गुणा में a1, चलो एक बार लिख ही देते हैं पहले, दूसरी को भी सही बना लेते हैं ना, दूसरी को भी सही बना लेते हैं, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और बराबर में दे रखा 7, प्लस के 7 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या आएगा 0 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां तक, ठीक है। अब पहली जो समीकरण है उसमें x के गुणा में क्या होता है a1, तो a1 का मान कितना हो गया 3, y के गुणा में होता है b1, तो b1 का मान कितना हो गया 2, और फिर होता है c1, तो c1 का मान कितना हो गया माइनस 5। फिर दूसरी समीकरण में x के गुणा में होता है a2, तो a2 का मान होता है 2, और फिर b2 और b2 का मान है माइनस 3, और सिंपल अचर जो संख्या होगी वो होगी c2 माइनस के 7। ये याद आ गया भाई आपको कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है, दूसरा सवाल पढ़ा था अपन ने वैल्यू निकालना सीखा था। पहली समीकरण में x के गुणा में a1, y के गुणा में b1 और अचर संख्या c1, और दूसरी समीकरण में x के गुणा में a2, y के गुणा में b2 और अचर संख्या c2 होती है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके अनुपातों की तुलना करनी है विद्यार्थियों, तो हम देखेंगे a1 अपॉन a2, a1 का मान है 3 और a2 का मान कितना है 2। कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 निकाल लिया अपन ने, अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3, 2 बटे वा -3, फिर c1 बटे वा c2, c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7, माइनस से माइनस कट गया तो 5/7 आ गया। ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 लिखेंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे और c1 अपॉन क्या लिखेंगे भाई, c2 लिखेंगे। तीनों वैल्यूज अपन ने यहां पर लिख दी। अब मुझे ये बताओ, आप ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 का मान 3/2 और b1 अपॉन b2 का मान -2/3, दोनों बराबर है क्या भाई, नहीं है बराबर, और दोनों बराबर नहीं है तो बराबर को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है भाई, फिर इन दोनों की वैल्यू बराबर है क्या, इन दोनों की वैल्यू भी बराबर नहीं है, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे अपन, काट देंगे। और काट देंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, अपन ने जो है जब प्रश्नावली 3 स्टार्ट की थी बेसिक, उसके अंदर जो मैंने कंडीशंस फॉर्मूले जो आपको बताए थे, अगर आपको याद नहीं है तो जाकर उनको देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि दोनों ही अगर नॉट इक्वल होते हैं तो समीकरण युग्म जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत। आ गया भाई समझ में, नया कुछ नहीं है, कल के सवाल की तरह ही है, यहां तक तो कल वाले सवाल की तरह है। फिर इसने जो है रेखाओं का प्रकार ना पूछ के इसने क्या पूछा, समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो दोनों ही नॉट इक्वल आते हैं, तो समीकरण युग्म क्या होता है मित्रों, संगत होता है। ठीक है, ये अपना तीसरे का पहला सवाल था, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली, उनको अनुपात निकाल लिया और फिर पता कर लिया बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की, बहुत ही ईजी और आसान है दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है ना।
ध्यान से समझिएगा, वापस दूसरे सवाल की बात करते हैं अपन। दूसरे में भी बराबर में जीरो नहीं है, तो इनको लिख कर मैं इधर के इधर ले आता हूं। प्लस के आठ को इधर लाएंगे तो दो एक्स माइनस तीन वाई और माइनस का आठ बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक हो गई। दूसरा चार एक्स माइनस छह वाई और प्लस का नौ इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा जीरो, समीकरण नंबर दो। मैंने डायरेक्ट ही भेज दिया, लिखा नहीं इसको, है ना। प्लस के आठ को इधर भेजा, माइनस में आ गया, प्लस के नौ को भी इधर भेज के मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या हो गया माइनस का नौ हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि पहली जो समीकरण है ना, पहली पहली जो समीकरण है उसके एक्स के गुणा में ए वन होता है तो ए वन बराबर क्या हो गया दो, और वाई के गुणा में बी वन होता है तो बी वन बराबर क्या हो गया माइनस तीन, और फिर सी वन C1 बराबर क्या हो गया माइनस का आठ। A1, B1, C1 माइनस भी साथ में उठाना है। दूसरी समीकरण में क्या होता है A2 चार, B2 माइनस छह, फिर C2 माइनस के नौ। आ गया मामला समझ में भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो A1 B1 सारी वैल्यू निकाल ली अपने, अब लिखेंगे A1 अपॉन A2। A1 का मान कितना है दो, और बटे हुआ A2 का मान कितना चार, दो एक और ये दो एक बटे हुआ दो आ गया। फिर B1 अपॉन B2, B1 का मान कितना है माइनस तीन, B2 का मान कितना माइनस छह, माइनस से माइनस कट गया, तीन एकम तीन और तीन दूनी छह, ये भी एक बटे हुआ दो आ गया। कोनो तकलीफ है क्या भाई? नहीं है, अनुपात ही निकालना अपने को, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, C1 अपॉन C2 बराबर, C1 का मान कितना है माइनस आठ है तो यहां पर लिख दूं मैं माइनस आठ, फिर C2 का मान कितना है माइनस नौ, माइनस से माइनस कट गया तो C1 अपॉन C2 बराबर क्या आ गया आठ बटे वन नौ आ गया। अब लिखता हूं मैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये वैल्यू अपन ने लिखी। अब पता करेंगे कि बराबर है या नहीं, तो पहला अनुपात और दूसरा अनुपात बराबर है या नहीं है, दोनों का मान सर एक बटे वा दो आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है। फिर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है सर, तो यहां पर क्या कर दो नॉट इक्वल कर दो, यानी एक बराबर होवे और एक बराबर नहीं होवे तो फॉर्मूलो वाली डायरी के अंदर देखे आप, उसके अंदर मैंने लिखवाया है कि यह जो है यहां समीकरण युग्म या निकाय है ना, समीकरण युग्म क्या होगा असंगत, क्या होगा बच्चों असंगत होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इक्वल है और एक क्या है नॉट इक्वल है, तो इसलिए यहां पर समीकरण निकाय क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। आइए मामला समझ में, यह था अपना सवाल नंबर दूसरा जो पहले की तरह सेम था, केवल वैल्यू निकाल ली और रखी और पता कर लिया। अब बात करते हैं अपन अगले इस तीसरे सवाल की, तीसरे का तीसरा। ध्यान से देखिएगा आप, तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बराबर में सात है तो पहले तो इसको इधर ले आवे अपन, ठीक है, इधर ले आवे तो क्या होगा 3/2x प्लस का 5/3y प्लस का 7 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। फिर इधर 9x और माइनस के 10y और प्लस का 14 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिएगा मित्रों, पहली समीकरण जो है उसके x के गुणा में जो होता है वो तो होता है a1 तीन बटे वा दो, फिर y के गुणा में होता है वो b1 का मान होता है पांच बटे वा तीन, और फिर c1 hr संख्या वो कितनी है माइनस की सात, ठीक है। फिर समीकरण दो में जो x के गुणा में होगा उसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x के गुणा में क्या होगा 8 2 नो, y के गुणा में b2 माइनस है तो माइनस भी साथ में उठा लो भाई, फिर c2 माइनस का चुना। कंप्लीट है मामला, चलिए अब निकालेंगे अपन a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 का मान 3/2, a2 का मान कितना है 9। मित्रों प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर तीन स्टेप आ जाती है बटेवा में जिसमें ऊपर वाली जोड़े में चल रही हो, तो ये ध्यान से देखो 3/2 2/9 लिखा अपन ने, 3/2 जोड़े में चल रहा है तो नीचे वाली संख्या अकेले इसके बटेवा में क्या मान लेंगे एक मान लेंगे, और एक मान लेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाली तो यूं की यूं ही आएगी और फिर इंटू लगकर नीचे वाली हो जाएगी उल्टी, तो एक तो चल दिया ऊपर और नौ कहां आ गया नीचे, ऊपर वाले तीन कटेगा इससे कितनी बार तीन बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 2 × 3 कितना हो गया 6। तो a1 अपॉन a2 का मान कितना आ गया 1/6। कैसे किया तो नीचे एक मान लिया, ऊपर वाली दो वैसे की वैसे, नीचे वाली दो उल्टी होकर इंटू में चली गई, तीन से काट दिया नौ को तो ये तीन हो गया 3 × 2 6 और ऊपर एक हो गया 1/6। कंप्लीट मामला, चलिए ये तो फिलहाल एक अनुपात आया, अभी दूसरा निकालते हैं b1 अपॉन
बी टू, बी वन का मान कितना है भाई, पांच बटे वा तीन है। बी टू का मान कितना है भाई, माइनस का दस है, ये माइनस का दस लिख दिया। ऊपर वाली जोड़े में है तो तीन स्टेप होने पर नीचे क्या मानना पड़ेगा, एक, फिर लिखेंगे ऊपर वाली दो तो यू की यू ही, ऊपर वाली दो यू की यू ही, नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में चली जाएगी तो माइनस एक बटे वा क्या हो जाएगा, दस। आ गया समझ में, उल्टी हो गई और इनटू में चली गई। अब ऊपर वाले पांच से दस कटेगा दो बार तो आया कितना आंसर इसका, बी वन अपॉन बी टू बराबर माइनस का तो माइनस एक और बटे में तीन इंटू दो छह, ठीक भाई। अब सी वन अपॉन सी टू बराबर, सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस के सात है, और बटे में सी टू की वैल्यू कितनी है, माइनस के फोर्टीन है। माइनस से माइनस कट गया, सेवन वन जा सेवन टू जा फोर्टीन, तो वन बाई टू हो गया। कौन तकलीफ है क्या भाई, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। पहला मान और दूसरा देखिए, पहला मान है एक बटे वा छह, दूसरा है माइनस का एक बटे वा छह, दोनों बराबर है क्या, नहीं है भाई। और दोनों बराबर नहीं है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, इनको भी काट देंगे। ध्यान से देखना, यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस नहीं, इसलिए ये बराबर नहीं है ना। अगर दोनों ही नॉट इक्वल है तो हम लिख देंगे क्या होगा, अगर दोनों ही नॉट इक्वल होता है तो क्या होता है भाई, समीकरण जो है, समीकरण युग्म क्या होगा भाई, संगत है। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। आया मामला समझ में, ठीक है भाई, ये समीकरण युग्म संगत हो गया क्योंकि दोनों ही नॉट इक्वल है। इसलिए ये था अपना तीसरे का तीसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अपन तीसरे के चौथे प्रश्न की। तीसरे का चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, पांच एक्स माइनस के तीन वाई और प्लस के ग्यारह को हम अगर इधर भेज देवे तो किसका हो जाएगा, माइनस का ग्यारह, तो बराबर में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इधर माइनस के तो दस एक्स और प्लस के छह वाई और माइनस के बाईस को इधर भेज देवे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। इक्वेशन नंबर सेकेंड, पहले समीकरण में x के गुणा में क्या होता है, a1, तो हो गया पांच। y के गुणा में क्या होता है, b1, तो ये हो गया तीन और वो भी माइनस, तो माइनस के साथ में उठा लिया। फिर क्या आएगा, अचर संख्या c1 माइनस के ग्यारह हो गए। दूसरी समीकरण में x के गुणा में क्या होता है, a2 माइनस के दस। y के गुणा में b2, b2 का मान छह और अचर संख्या c2, c2 का मान कितना हो गया, ये बाईस हो गया। आइए समझ में भाई, कंप्लीट a1 b1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैल्यू निकालने में, है ना। अब a1 वन अपॉन ए टू निकालेंगे मित्रों, a1 वन अपॉन ए टू, पांच बटेवा माइनस के दस। पांच से काटा इसको एक बार, पांच से इसको काटा दो बार, दोनों पांच से कट गए, माइनस का माइनस लगा दिया। फिर b1 वन अपॉन बी टू, बी वन का मान है माइनस तीन, बी टू का मान है छह, तीन से काटा एक बार, तीन से काटा दो बार और माइनस का ये माइनस। फिर पता करते हैं c1 वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू, सी वन का मान है माइनस का ग्यारह और C2 का मान है 22 मित्रों। 11 से काटा इसको, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस का माइनस, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये जो वैल्यू आया ना, ये जो वैल्यू आया इसके अंदर देखो, माइनस एक बटे हो दो, माइनस एक बटे हो दो, माइनस एक बटे हो दो, सारे वैल्यूज आपस में क्या है भाई, बराबर है। और सारे बराबर हो तो भी हम लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म क्या होगा दोस्तों, समीकरण युग्म संगत होगा। मित्रों आ गया भाई समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। केवल कंडीशंस की पहचान करनी आपको, और ये जो है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना बार बार, ये आपको फॉर्मूले जो लिखवाए थे उसके अंदर मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन बनेगी तो अपना आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो है अपना तीसरे का चौथा सवाल भी यहां पर हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे के पांचवें सवाल की। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है, और अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, क्लास 10th की मिलेगी और प्लस पशु परिचय की मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी यहां पर बिल्कुल फ्री में पूरे देखने को मिलेंगे। और पशु परिचय की लगभग तीन क्लासेस मैंने डाल भी रखी है, उनको जाकर देखे, और अगली भी है वन बाय वन के रेगुलर आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर बाय थ्री एक्स, ये लिखा हुआ फोर बाय थ्री, ये अपना पांचवा सवाल है ना। 4 बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई और प्लस का 8 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या होगा, जीरो। इधर दो, सॉरी, हाँ हो गया ना,
2x प्लस 3y और प्लस के 12 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो बराबर में क्या होगा जीरो। समीकरण एक और समीकरण दो बराबर में जीरो रखना अपने को, a1 b1 सारे निकालने के लिए। पहली समीकरण में x के गुणा में a1 होता है तो a1 बराबर 4/3, y के गुणा में b1 होता है तो b1 बराबर 2, और फिर c1 होता है तो c1 कितना हो गया माइनस का 8 हो गया। इधर समीकरण दो में x के गुणा में क्या होता है a2, तो वो कितना है 2, फिर b2 तो b2 कितना है 3, फिर c2 तो c2 कितना है माइनस के 12। आ गया समझ में? तो यहां पर लिखे a1 अपॉन a2, a1 का मान तो है 4/3, बटेवा में कितना है 2, तीन स्टेप होने पर ऊपर वाली अगर स्टेप बटेवा में जोड़े में चल रही हो और नीचे वाली अकेली हो तो उसके बटे में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो आएगा 4/3 इंटू करेंगे, नीचे वाले उल्टी होकर इंटू में चली जाएगी, 2 से काटा इसको 2 बार, तो आंसर कितना आएगा इसका, यहां पर लिखू मैं a1 अपॉन a2 बराबर 2 × 2 और बटेवा में कितना आ गया 3, तो a1 अपॉन a2 का मान कितना गया 2/3। अभी एक आया, दूसरा अनुपात निकालते हैं b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान कितना है बच्चों 2 है और b2 का मान कितना है 3 है, फिर c1 अपॉन c2 बराबर माइनस के 8/1 माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, यानी कि c1 अपॉन c2 का मान कितना आ चुका है 2/3। ध्यान से लिखूं मैं अगर, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो बच्चों देखिए यहां पर इसका मान भी 2/3, इसका मान भी 2/3 और इसका मान भी 2/3 आ चुका है, सारों का ही मान 2/3 है, यानी सारी वैल्यूज बराबर है, वो सारी वैल्यूज बराबर होने पर हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय जो है समीकरण युग्म में क्या होगा बच्चों, संगत होगा, संगत होगा। ये था दोस्तों अपने क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 3.1 का तीसरा प्रश्न है, जिसके अपन ने 5 सवाल सोल्व करके मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले। क्लास 9th की मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, क्लास 10th की मिलेगी, और प्लस पशु परिचर के जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर गणित के आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो जाकर प्ले लिस्ट में ऐसा मैथमेटिक्स सर्च करें और उसके प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाए और आप जो है क्लास 9th 10th या पशु परिचर की गणित वहां पर प्ले लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। प्लस आपको जो है ढेर सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं तो ऐसा मैथमेटिक्स में जाए और अपना जो कम्युनिटी पोस्ट का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर जाए और बहुत सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे, उनके आंसर दे और अपने मैथमेटिक्स का जो है स्ट्रेटजी का आनंद उठाए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी को धन्यवाद।